गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजन मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो 30 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है उसको हम कवर कर रहे हैं, साथ ही 30 नंबर की इंग्लिश को भी हम कवर कर रहे हैं। 30 नंबर की जो इंग्लिश पूछी जा रही है उसको भी हम कवर कर रहे हैं और डेली आपके पास वीडियो पहुंच रहे हैं। हमने हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। साथ ही एक जानकारी आपको यह दे दूं कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की इंग्लिश को भी हम कवर कर रहे हैं और अभी जो एग्ज़ाम्स चल रही है एनुअल एग्ज़ाम्स, उनके पेपर्स को भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनकी भी हमने प्लेलिस्ट अलग बना दी है। आपके कॉन्टेक्ट में यदि स्टूडेंट या आपके रिलेटिव्स हों तो उनके पास हमारे चैनल्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रोज़ाना की तरह हिंदी के 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 11 फरवरी 2019 सुबह 9:30 बजे, मैंने सुबह वाली शिफ्ट का ये पेपर हुआ था, है ना, होम साइंस का पेपर था ये। चलिए पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आडम्बर का विलोम लिखिए। तो आडम्बर शब्द का हमें विलोम देखना है, तो पहला है अदाबकर, निरांडंबर, अनाडंबर या डंबर। तो निरांडंबर मीन्स दूसरा ऑप्शन जो है ये इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में आज्ञा का समानार्थी मीन्स सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है, मतलब पर्यायवाची। तो अवज्ञा, अस्वीकृति, इनकार या अनुमति। तो अनुमति मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, थल का पर्यायवाची देखिए। अब देखो तो पर्यायवाची से उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मतलब हमें कैसे तैयारी करना है ये चीज़ हमें आइडिया लग रहा है। हर चीज़ को यदि हम क्लियर अच्छे से करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब देखिए हमारा जो एम है, लक्ष्य हमारा क्या है कि इस परीक्षा में हमें 120 से लगाकर 130 के बीच में स्कोरिंग करना है। अब 120 से 130 के बीच में स्कोरिंग करना है, इसका अर्थ ये है कि जो हमारा हिंदी और इंग्लिश है इसके दोनों को मिलाकर के 30-30 नंबर हैं, तो इन 30-30 नंबर में यदि हम 55 से 60 के बीच में कवर करते हैं तो हम जो हमारा क्राइटेरिया मीन्स जो डेडलाइन हमने फिक्स की है कि 120 से 130 के बीच में हमें जाना है, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं ना। और दोनों इजी हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही हम अच्छे से पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम 120 से 130 के बीच में पहुँचने वाले हैं और पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोज़ को देखिए, और ये आपको कैसे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट्स करके बताएँ। तो ठीक है, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थल का पर्यायवाची है तो देखिए तारक, धरा, खाली या हद। तो देखिए इसमें थल मीन्स पृथ्वी संबंधित है, तो धरा पृथ्वी होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कविता करने वाली स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द कवयित्री, कवयात्री, कवियात्री या कवित्री। तो ऑप्शन नंबर 4 कवित्री जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुहावरों को भी तैयारी हमें अच्छे से करना है, जैसे चालू व्यक्ति, मित्रता की ओट में छिपा शत्रु, आस्तीन का सांप ना होना, सांप का छुपकर बैठना। तो मित्रता की ओट में छिपा शत्रु जो होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लता भवन ते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई में प्रयुक्त छंद कौन सा है, छंद पूछ रहा है। तो छंद जैसे चौपाई छंद, सोटा छंद, बरवे छंद और दोहा छंद, तो ये क्या है, दोहा छंद है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तरनी तजुता तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छावे, ये थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने इसको अलग से हैंड राइटिंग के रूप में लिख दिया है ना, में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, भ्रांति अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो ये जो है अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत खींचत जीभ ही श्यार अति ही आनंद और धारत, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो वात्सल्य रस, शांत रस, भक्ति रस, विभत्स रस, तो इसमें विभत्स रस है।
ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप नोट जरूर करते ही आइएगा क्योंकि एग्जाम तक आपको बहुत फायदा होगा। दुकान वाला में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो ला वाला, दुकान या दू। तो देखिए दुकान वाला लिखा हुआ है, तो दुकान वाला में दुकान जो है ये रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड यदि हम निकाल लें तो वाला बचता है, तो इसका ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, अगणित का शुद्ध रूप क्या है? तो गणित, अनगिनत, अग्रणी या अगणित। तो अगणित जो है इसका शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन नंबर फोर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताएं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स कलीग्स के पास इसको शेयर जरूर करें, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।